इनका फोर्थ चैप्टर क्लास ऑफ सेवन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने आप लोगों को तीन चैप्टर पढ़ा दिया है, तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर फोर पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है समझदार बीवी। एक बीवी के बारे में है जो बहुत समझदार है, तो मैं आप लोगों को वो चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर आप लोग का हेडिंग है समझदार बीवी और ये फिगर है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, एक किसान सुबह को हल बैल लेकर खेत की तरफ जा रहा था। एक मर्तबा का जिक्र है, एक मर्तबा का बात है कि एक किसान जो था वो सुबह सुबह हल बैल लेकर अपने खेत की तरफ जा रहा था। यकायक रास्ते में उसे एक शेर सामने आता दिखाई दिया। खौफ से किसान की घिंगी बंद हो गई। मतलब कि एक मर्तबा की बात है, किसान सुबह सुबह अपने हल और बैल को लेके अपनी खेत की तरफ जा रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ कि रास्ते में उसको एक शेर दिखाई देता है, तो इंसान बहुत डर जाता है, इतना खौफ हो जाता है। खौफ के मीन्स डरना, और घिंघिंग के मीन्स होता है आवाज़ बंद होना, इंसान की आवाज़ बंद हो जाती है। वह सकते के आलम में खड़ा था, इतने में शेर करीब आया, जबान होंठ पर फेरी और बड़ी नरमी से बोला, अस्सलामुअलैकुम दोस्त, फरमाइए मिजाज तो अच्छे हैं। किसान जो था वो सकते में खड़ा था, यानी कि पूरा एकदम स्ट्रेट खड़ा था, यानी कि सीधा, एकदम सीधा खड़ा था, और ऐसे आलम में खड़ा होकर वो शेर जो था उसके करीब आया और ज़बान होठों पर फेरा, यानी कि अपने मुंह को अपने होठों पे फेरते हुए कहा बहुत नरमी से कि अस्सलामुअलैकुम दोस्त, फरमाइए मिजाज तो अच्छे हैं। तो वालेकुम अस्सलाम जनाब, वल्लाह अल्लाह का करम है, बखैर हूँ। बोलता है कि वालेकुम अस्सलाम, सलाम का जवाब देते हुए कि अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ, आप तो अच्छे हैं। जवाब तो किसी तरह दिया, मगर वह दिल में कांप रहा था। शेर जब उसको सलाम किया, उससे सवाल किया, तो वो जवाब तो बहुत अच्छे से दिया, पर उसके दिल में बहुत डर था, दिल में ही वो बहुत कांप रहा था। आपकी खैरियत मालूम करके खुशी हुई, शेर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, अच्छा या रब, यूं करो के शेर बोलता है कि आपकी खैरियत मालूम करके हमको बहुत खुशी हुई, और ये सिलसिला कलाम यानी कि ये बातें जारी रखते हुए उसने कहा, अच्छा या रब, यूं करो के ज़रा जहमत करके बैलों को हल से खोल दो। उसने कहा कि अच्छा अब ये काम करो, एक काम करो तुम अल्लाह के वास्ते कि ज़रा सा जहमत करो, ज़रा सा मेरे ऊपर जहमत करो, और जहमत करके अपने बैलों को खोल दो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इन बैलों को खाने के लिए भेजा है। उसने कहा कि क्योंकि तुम इसलिए बैलों को खोलो क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इन बैलों को खाने के लिए भेजा है, तुम यकीनन खुदा तर्स इंसान हो, चुनांचा जल्दी करो ताकि अल्लाह की अताअत में देरी ना होने पाए। शेर ने किसान से कहा कि तुम एक काम करो, थोड़ा सा जहमत करो थोड़ा सा, और अपने बैलों को खोल दो क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इन बैलों को खाने के लिए ही भेजा है, तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो ज़्यादा देर मत करो, अल्लाह की इताअत पर देर ना करो और जल्दी से बैल को खोल दो। इस वक्फे में किसान के होश व हवास बेहाल हो चुके थे। जब शेर ने ऐसा बोला तो इंसान का जो होश हवास था वो बेहाल हो चुका था। उसने ज़रा हिम्मत करके जवाब दिया, उसने थोड़ा सा हिम्मत किया और जवाब दिया, जनाब आवाला आप को शायद गलत फहमी हुई है। उसने कहा कि जनाब आला आपको शायद गलत फहमी हुई उसने कहा जनाब वाला आपको शायद गलत फहमी हुई है, बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे खेत में हल जोतने के लिए भेजा है, और जाहिर है कि हल बगैर बैलों के नहीं हो सकता, आप गलत जगह पर आ गए हैं। किसान ने बहुत हिम्मत जुटाकर
शेर को जवाब दिया कि जनाब आला, आपको शायद गलत फहमी हुई है, अल्लाह ताला ने आपको शेर को खाने के लिए नहीं, हमको हल जोतने के लिए भेजा है, क्योंकि अगर बिना हल बिना बैलों के मैं खेत में हल नहीं जोत सकता हूँ, इसलिए शायद आप गलत जगह पे पहुँच गए हैं, तो आप किसी दूसरे जगह पे चले जाएं। शेर ज़रा गर्रा कर बोला, देर की गुंजाइश नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम बैलों की रस्सियाँ खोलना शुरू करो, जब तक मैं ज़रा दांत साफ कर लूँ। ये कहकर पंजे और दांत तेज़ करने लगा। शेर ने थोड़ा सा गुस्से में आकर थोड़ा सा घुर्रा कर किसान को बोला, देर की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम ज़रा सा भी देर मत करो और बैल की रस्सियाँ खोलना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, मैं थोड़ा सा तब तक दांत साफ़ कर लेता हूँ। और शेर ये कहकर अपने पंजे और दांत को तेज़ करने लगा। किसान रोने लगा और बहुत गिड़गिड़ा कर कहा, जनाब वाला, मेरे बीवी को ना खाइए, किसान ने गिड़गिड़ा कर कहा, जनाबे वाला, मेरी बैलों को ना खाइए, उन्हीं से मेरी रोजी रोटी चलती है, मैं उनके बदले में एक दूध देती हुई गाय लाकर देता हूँ। किसान ने कहा शेर से कि मेरी बैलों को मत खाइए, इनसे मेरी रोजी रोटी चलती, इन्हीं से हम अपना जो भी खाना होता है, जो खुराक होता है, उसको चलाते हैं, आपको इसके बदले में दूध देती हुई एक गाय लाकर दे दूँगा। गाय मेरी बीवी ने आंगन में बांध रखी है, उसने कहा कि वो जो दूध देती गाय है वो मेरी बीवी ने आंगन में बांध रखा है, तो मैं इन बैलों के बदले उस गाय को लाकर दे दूँगा। किसान इस तरह बिल्कुल फरियाद कर रहा था कि आखिर शेर को भी तरस आ गया। किसान ऐसे फरियाद कर रहा था, ऐसे गुजारिश कर रहा था कि आखिरकार शेर को भी उस पे तरस आ गया। उसने कहा, अच्छा जाओ, मगर देर ना करना, मुझे बहुत भूख लग रही है। शेर ने कहा कि तुम जाओ और देर नहीं करना, मुझे बहुत भूख लग रही है। किसान के घर की तरफ चला। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्या होगा। इधर किसान के जल्दी वापस आने पर उसकी बीवी बरस पड़ी, क्या हुआ, बस थक गए। किसान दिल दिल में सोच रहा था कि अब क्या होगा। घर की तरफ जब दोनों चल पड़े तो किसान दिल दिल में सोच रहा था कि इधर अगर मैं घर जल्दी वापस चल जाऊंगा तो मेरी बीवी मेरे पे बरस पड़ेगी, बोलने लगेगी थक गए क्या। तो इस तरह वो किसान सोचने लगा, और मुझे नंगूड़ मारी को देखकर सुबह से कामकाज में लगी हुई, मगर ज़रा भी उन्हें नहीं थकी, बैल कहाँ है। किसान ने माजरा सुनाया और बोला, शेर ने बैल पकड़ रखा है, गाय दे दो तो नहीं उसके बैल में झड़ा लूँगा। किसान जब घर गया तो उसकी बीवी उस पर बरस पड़ी, उसने कहा, बस थक गया, बस हो गया अब। जैसा कि आमतौर पर बीवियाँ बोलती हैं कि बस बहुत जल्दी घर आ गए, आपको गर्मी लगने लगी, थक गए, पसीना निकलने लगा, मुझे देखो, मैं इतनी देर से तब से काम में लगी पड़ी हूँ और तुम थोड़ा देर ही गए और तुम वापस आ गए, अब बताओ बैल कहाँ है। तो किसान ने सारा माजरा अपनी बीवी को सुनाया। उसने कहा कि शेर ने बैल को पकड़ रखा है, अगर तुम मुझे दूध वाली गाय दे दोगे तो मैं उसके बदले बैल को छुड़वा लाऊँगा। बीवी गुस्से से बोली, खूब किया, कहने अपने बूढ़े कमीने बैलों को बचाने के लिए मेरी खूबसूरत दूध देती गाय की कुर्बानी करना चाहते हो। बीवी ने चिल्लाकर अपने अपने शौहर से कहा, उस किसान से कहा कि बहुत खूब किया, अपने निकम्मे बैलों को बचाने के लिए मेरी खूबसूरत दूध वाली गाय को कुर्बानी देना चाहते हो। गाय के बगैर बच्चे के लिए दूध कहाँ से आएगा, मक्खन छाछ कहाँ से आएगा। उसकी बीवी ने कहा कि गाय दूध देती हुई गाय को अगर शेर को खाने के लिए दे दोगे तो बच्चों के लिए दूध कहाँ से आएगा, और छाछ मक्खन ये सब कहाँ से आएंगे। किसान ने जवाब दिया, ये तो ठीक है बेगम, मगर बैलों के बगैर अनाज कैसे आएगा।
किसान ने कहा, ये तो ठीक है बेगम, लेकिन बैल नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से आएगा? तुम्हारी खोपड़ी में ज़रा सा भी मगज होता तो कोई तरकीब सोचते, बीवी रज होकर कहने लगी। फिर किसान ने कहा, चलो तुम ही कुछ सोचो। बीवी ने बहुत ही गुस्से से अपने शौहर को, उस किसान को बोला कि तुम्हारे खोपड़ी में अगर थोड़ा सा भी मगज होता, यानी कि थोड़ा सा दिमाग होता, तो तुम कुछ और सोचते। तो किसान ने कहा कि चलो ठीक है, तो तुम ही सोच लो कुछ। बीवी ने कहा, ठीक है, मगर मैं सिर्फ तदीज सोचूंगी, करना तुम्हें होगा, मगर अगर मंजूर हो तो जाओ और शेर से कहो कि गाय तुम्हारे साथ आने को तैयार नहीं थी, और ये कि मैं खुद इसे बाद में लेकर आऊँगी। बीवी ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही सोचूंगी, लेकिन करना तुमको पड़ेगा, और ये मंजूर है तो जाके शेर को बोलो कि गाय तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, और ये कहना कि मैं खुद ही गाय को बाद में तुम्हारे पास लेकर आऊँगी। किसान का दिल तो खाली हाथ शेर के सामने जाने के ख्याल से ही धक धक कर रहा था। किसान जो था वो बहुत ही डरा हुआ था शेर को देखकर, उसका दिल पहले ही से धक धक कर रहा था, क्योंकि अगर खाली हाथ जाएगा तो शेर तो उस पर ही गुस्सा करेगा, उसको ही खा जाएगा, मगर बेचारा मजबूर था, लाचार था, मजबूर था, किस तरह हिम्मत करके पहुंचा। इधर शेर को इंतज़ार में गुस्से से पंच वताब रख रहा था। जो शेर था वो बहुत ही गुस्से में था, वो गुस्से से लाल पीला हो। किसान को देखते ही गर्रा कर झपटा, किधर है गाय? किसान ने कांपते हुए कहा, कहलाते हुए जवाब दिया, जनाब वाला, गाय मेरे काबू में नहीं आई, मेरे बीवी उसे लेकर आ रही है, ज़रा और इंतज़ार करिए। जब शेर को पता चला कि किसान गाय को नहीं लेकर आया, तो शेर गुस्से से गर्राते हुए उस पर झपटा और किसान से पूछा कि गाय कहाँ है। तो किसान ने कहा कि हजूर वाला, माफ़ कीजिए, गाय मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं है, मेरी बीवी लेकर उसे आ रही है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। शेर गुस्से से इधर उधर टहलने लगा। शेर जो था वो गुस्सा से इधर उधर टहलने लगा। इसकी भूख तेज़ होती जा रही थी। उसकी जो भूख थी वो तेज़ होती जा रही थी। इधर किसान को रुख्सत करके बीवी ने शोहर का बेहतरीन लिबास पहना और उम्मा खूब ऊँचा करके बांधता के कद लंबा मालूम हुआ, मजबूत काठी तो थी ही, पहलवान मालूम होने लगी। फिर उसने किसान के घोड़े पर जैन कसी और सवार होकर उखड़ती हुई बड़ी शान से खेत की तरफ चली। किसान की जो बीवी थी वो क्या कि बहुत खूबसूरत लिबास में, शोहर का बेहतरीन लिबास जो था, उसके शोहर का जो किसान का बेहतरीन अच्छा कपड़ा था, उसको पहनकर पगड़ी उगड़ी बांधकर अच्छे से तैयार होकर दम क्या बोलते हैं उसको पहलवान की तरह वो मालूम हो रही थी, पहलवान की तरह दिख रही थी। उसके बाद घोड़े पर लगाम कसा और उसके बाद उस पर सवार होकर खेत की तरफ बहुत शान से चले आ रही थी। चलते चलते रास्ता जहाँ खेत की तरफ मुड़ता था वहाँ पहुँच कर घोड़े को रोका और इधर उधर देखकर निहायत गर्जदार आवाज़ में बोली, अल्लाह करके आज आस पास में कोई मोटा शेर मिल जाए। इधर उधर करके जहाँ पे खेत का जो लास्ट रास्ता था वहाँ पे रुकी और घोड़े को रोककर बोला बहुत ही ज़ोर से गर्ज करके आवाज़ करके कि अल्लाह आज आसपास कोई मोटा शेर मिल जाए, परसों तो मैं सुबह के नाश्ते में ही 3 अध शेर चट कर गई हूँ। उसने कहा कि मैंने सुबह के नाश्ते में 3 मोटा ताज़ा शेर मैंने सुबह के नाश्ते में ही खा लिया, मगर कल से अभी तक एक भी शेर नहीं मिला। पर सुकून माहौल में किसान की औरत की आवाज़ चारों तरफ फैल गई।
इतना सन्नाटा था कि किसान का जो किसान की जो बीवी थी उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल गई और उसने कहा कि अल्लाह करे कि मुझे एक मोटा ताज़ा शेर मिल जाए ताकि मैं उसको मार के अपनी सुबह के नाश्ते में खा सकूँ, अपना पेट भर सकूँ। जो शांत माहौल था तो उसका जो आवाज़ था वो चारों तरफ गूंजने लगा। जब शेर ने ये गर्जदार आवाज़ सुनी और सवार को अपनी तरफ आते देखा तो बदहवास हो गया और दम दबाकर लटे पांव जंगल की तरफ भाग गया। शेर जब ये गर्जदार आवाज़ सुना तो शेर को बहुत डर लगने लगा कि अब तो मुझे वो खा जाएगी, जो भी है वो तो मुझे मार देगा। तो उसने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। भागते भागते रास्ते में शेर अपने ही गीदर से, जो हमेशा के साथ रहता था, टकरा गया। भागते भागते शेर जंगल की तरफ पहुंचा और जो गीदर था उससे ही जाकर टकरा गया। हर शेर के साथ एक गीदर होता है जो शेर के खाने से बची कुची हड्डियां खाकर दस्तरखान साफ कर लेता है। हर शेर के साथ एक गीदर होता है जो बची कुची जो शेर खाता है उसका खाने में जो बची कुची जो हड्डियां होती है उसको वो खाकर दस्तरखान साफ कर लेता है। गीदर जो शेर से टकरा कर गिर पड़ा था बदन झाड़ते हुए उठा और पूछने लगा, बादशाह सलामत, ये आप इस तरह कहाँ भागते जा रहे हैं? जब शेर से गीदर टकराते हुए ज़मीन पर गिरा तो वो अपने बदन को झाड़ते हुए पोछते हुए उठा और पूछा कि बादशाह सलामत, आप ये कहाँ भागते हुए जा रहे हैं? शेर हाँफते हुए बोला, अबे जान प्यारी है तो भाग, पीछे एक नहायत खूंखार शिकार आ रहा है जो सिर्फ नाश्ते में ही तीन शेर चट कर जाता है। उसने कहा कि अबे तुम्हारी जान अगर प्यारी है तो तुम भागो, नहीं तो मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि एक नहायत ही खूंखार जो शिकारी है वो हमारी ओर आ रहा है जो सिर्फ नाश्ते में तीन शेर चट कर जाता है। ये सुनकर गीदर बोला, आली जा, आपको धोखा हुआ है, वह शिकारी नहीं बल्कि किसान की बीवी मर्दाना लिबास पहने हुए है। ये सुनकर गीदर बोलता है कि आली जा, आपको गलतफहमी हुई है, ये शिकारी नहीं है, ये किसान की बीवी है जो मर्दाना लिबास पहनी है, जो आदमी का लिबास पहनी है। ये तुम बिल्कुल सच सच कह रहे हो? शेर ने पूछा कि तुम ये बिल्कुल सच सच कह रहे हो? या गीदर ने यकीन दिलाया, अगर आफ्ताब की शाओं ने आपकी नज़र को चकाचौर किया हो तो आप इसकी पीठ पर चढ़िए देखते हैं। उसने कहा, यकीन मानिए मेरा, अगर आफ्ताब सूरज डूबने के बाद अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो आप उसकी पीठ पर चढ़ के देखते हैं। शेर अब भी मुतमिन ना था, शेर को अभी भी यकीन नहीं था, वह अब भी इसको शिकारी ही समझ रहा था। क्योंकि देखने में वह बड़ा खूंखार मालूम हो रहा था गीदड़ ने हिम्मत बांधी, जहाँ पना, इन बातों को छोड़िए, हौसला कीजिए, महज एक औरत के डर से आप अपने खाने से महरूम हो जा रहे हैं। गीदर ने कहा कि आप हिम्मत बांधिए और हौसला रखिए, अब सिर्फ एक औरत के डर से ही आप अपने खाने से महरूम होना चाहते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझे फंसाने के लिए तुम्हें रिश्वत दी गई हो। अगर आपको अब भी मेरे खलूस पर शक है तो चलिए दोनों साथ चलते हैं, गीदड़ ने तजवीज़ कर पेश किया। शेर ने कहा कि मुझे डाउट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो शिकारी नहीं था, औरत थी, क्योंकि हमको लगता है कि तुमको मुझे फंसाने के लिए रिश्वत दी गई होगी ताकि तुम मुझे फंसा कर वहाँ ले जाओ और वो मुझे शिकार करके खा जाए। तो उसने कहा, गीदड़ ने कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है मेरे पर तो चलिए दोनों साथ में चलते हैं। नहीं, उसने कहा, उससे क्या होगा, ये भी हो सकता है कि मुझे पहुंचाकर तुम भाग निकलो और अकेला मौत के मुंह में मैं चला जाऊं।
शेर ने कहा कि ये भी हो सकता है कि तुम मुझे पहुंचा कर वहाँ पर तुम भाग जाओगे और मैं अकेले ही शेर मौत के मुंह में चल जाऊँ। ये बात है तो आइए हम दोनों अपनी दुम बांध कर मजबूत ग्रह लगाएं ताकि एक दूसरे को छोड़कर भाग ना सके। अब तो मंजूर है, उसने कहा कि अगर आपको मेरे पे डाउट है, मेरे पे अगर यकीन नहीं है तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों अपनी अपनी दुम को बांध लेते हैं और दोनों चलते हैं साथ में ताकि दोनों एक दूसरे को छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। अब तो आपको मंजूर है मेरी बात। ये बात तजवीज़ शेर को पसंद आई, ये जो तजवीज़ थी, ये जो तरीका था, शेर को पसंद आई। दोनों ने अपनी दुम को मजबूत कर लगाकर एक साथ बांध लिया और उखड़ते हुए खेत की तरफ चले। दोनों क्या किया, अपनी अपनी दुम को एक दूसरे के साथ बांध लिया और उसके बाद टहलते हुए खेत की तरफ चले। इधर शेर के भागने के बाद सारा वाक्या याद करके किसान मियाँ बीवी खेत में ही बैठे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। वो दोनों जब भी शेर पहुँचे खेत की तरफ तो देखे इधर ये दोनों मियाँ बीवी जो थे वो बैठकर शेर बीती हुई बात को याद कर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। इतने में किसान की नज़र चुनानचा शेर पर पड़ी तो उसकी सट्टी बिट्टी गुम हो गई। इतने में क्या हुआ कि किसान की जो नज़र थी वो शेर पर पड़ी तो इतने में ही उसकी सट्टी बिट्टी गुम हो गई। बीवी को इशारा करने हुए बोला, भागो आफत आ गई। बीवी को इशारा करते हुए उसने कहा कि भागो आफत आ गई। बीवी बोली, डरपोक कहीं के, अगर तुम खामोश रहे तो फिर देखना क्या तुम क्या तमाशा होता है। उसने कहा अपने शौहर से कि अगर तुम खामोश रहे, डरपोक हो तुम, अगर तुम खामोश रहे तो फिर देखना कि क्या तमाशा होता है। ये कहकर वह इत्मीनान से बैठी रही यहाँ तक कि शेर और गीदड़ करीब आ गए। फिर बड़े मीठे लहजे में कहने लगी, गीदड़ मियाँ तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी ये वफादारी कभी नहीं भूलूंगी। इतने में जब शेर और गीदड़ नज़दीक आए, करीब आए, तो उनकी बीवी ने कहना स्टार्ट किया कि गीदड़ मियाँ आप कितने अच्छे हैं, तुम्हारी ये वफादारी मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं कल से शेर के गोश्त के लिए बेचैन थी। आज तुम अपने साथ इतना तरो व ताज़ा शेर लेकर आए हो, अब ज़रा मैं इसे खाकर फारिग हो लूँ तो तुम्हें भी इसके मज़ेदार हड्डियों को खाने को दूंगी। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा वफादारी किया, अब मैं ज़रा सा इस शेर को खाकर फारिग हो जाऊँ, उसके बाद मैं इसकी जो हड्डियाँ होंगी मैं तुम्हें खाने को दूंगी। जब कोई हद से ज़्यादा डर जाए तो इसकी अकल काम नहीं आती। जब कोई इंसान तुम्हारी भी मौज हो जाएगी। उसने कहा कि तो जब तुम हड्डियाँ खाओगे तो तुम्हारी भी मौज हो जाएगी, तुम्हें शेर के मज़ेदार हड्डियाँ खाने को दूंगी। ये अल्फाज सुनने थे, शेर के बदहवास हो गया। जब कोई हद से ज़्यादा डर जाए तो अकल काम नहीं आता, जब कोई हद से ज़्यादा डर जाता है तो उसका अकल काम नहीं आता। ये सुनते ही शेर बदहवास हो गया। शेर सर पर आओ रख कर इतनी तेज़ भागा कि उसे ये भी ख्याल नहीं आ रहा था कि इसके दुम के साथ गीदड़ भी बंधा हुआ है। शेर अपने सर को जाते हुए इतनी ज़ोर से भागा, इतनी तेज़ी से भागा कि उसको ये भी अंदाज़ा नहीं था, उसे ये भी याद नहीं था कि गीदड़ उसके पूँछ से, उसके दुम से बंधा हुआ है। गीदड़ हज़ार बार चिल्लाया मगर शेर भागता ही रहा। इधर गीदड़ झाटियों में घसीटता जा रहा था, उसका जिस्म लहूलुहान हो चुका था। आखिर जब भागते भागते शेर थक कर चूर हो गया तो रुका, उस वक्त तक गीदड़ मर चुका था। शेर इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि गीदड़ इतनी बार चिल्ला रहा था, हज़ारों बार उसने कहा कि धीरे भागो, मत भागो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर फिर भी शेर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। और शेर इतनी ज़ोर से भाग रहा था कि गीदड़ पूरा झाटियों में घुसा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, और वो उसका जिस्म जो था वो लहूलुहान हो गया था, उसका जिस्म जो था वो खून से लथपथ था। आखिरकार जब शेर थक गया तो फिर वो रुका, और तब तक उस वक्त तक गीदड़ जो था वो मर चुका था। तो आपको इस सबक से, ये चैप्टर से सबक मिलता है कि कभी भी
जब भी हम लोग कोई काम करें तो दिमाग से काम करें, क्योंकि जो अकल होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके ज़रिए से हम लोग बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी चंद मिनट में, चंद सेकेंड में हम लोग आसान कर सकते हैं उसको। और ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डरने से दिमाग काम नहीं करता। जब भी हम लोग को डर लगे तो हमें थोड़ा सा शांति रख के उसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर वो किस बात के लिए वैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज का चैप्टर आप लोग का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।